दिल्ली विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं 4 फरवरी के ताजा सर्वे में मोदी की रैली के बाद केजरीवाल और बीजेपी की जीत के बीच अंतर क्या है, किस पार्टी को कितनी सीटें, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री पद न देना कितना भारी पड़ सकता है बीजेपी के लिए। 4 फरवरी की ताजा आंकड़े यहाँ पर एबीपी न्यूज जो कि बड़ा चैनल यहाँ पर है और कई बड़े सर्वे यहाँ पर देते हैं और सटीक भी सर्वे बैठते हैं और इस चैनल के अनुसार जो यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है 4 फरवरी के लिए जो पहले आंकड़े थे ज्यादा कुछ फर्क नहीं देखने को मिला है वोट शेयर में, लेकिन सीटों में काफी यहाँ पर फर्क देखने को मिल रहा है जिस कारण से कुछ दिनों में ये माहौल बनता नजर आ रहा है बीजेपी के पक्ष में। देखिए 43% वोट शेयर 4 फरवरी को आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है और 37% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में है और जो आंकड़ा पहले 54% के साथ था और अब वह आंकड़ा 45% पर आम आदमी पार्टी का आ गया है। और दिल्ली के लिए कुछ और आंकड़े हैं जिनमें बीजेपी का मुख्यमंत्री पद न देना सीए को लेकर क्या यहां पर वोटर्स किसके पक्ष में है और कहीं ना कहीं किसके पक्ष में कितने आंकड़े जा सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को लाइक शेयर और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए दिल्ली की 70 सीटों पर एक और सर्वे यहाँ पर निकला है कि किसके पक्ष में कितना वोट शेयर, तो जो तय नहीं है वो 12% से बढ़कर अब 13% पर पहुंच चुके हैं जो अंतिम समय पर ये तय करेंगे कि वो किसके साथ जाते हैं। देखिए दिलचस्प बात ये है कि 13% वोट शेयर जो आम आदमी पार्टी है उसके पक्ष में चला जाता है तो फिर आम आदमी पार्टी जो पहले हुआ था उसकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये तय नहीं कहने वाले लोग जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ जाते हैं अंतिम समय में, जिस प्रकार से पलटवार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अब ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां होने वाली है तो ये जो आंकड़ा है वो 50 के पार चला जाता है जिससे फायदा होगा और भी ज्यादा। और आंकड़े क्या बने हैं वो भी आपको आंकड़े यहाँ पर दिखाने वाले हैं। दिल्ली की 70 सीटों पर एक और सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है जो कि प्रधानमंत्री का काम इतना बड़ा मुद्दा है जो सीए हो या धारा 370 हो या कई ऐसे मुद्दे हैं इनको लेकर जो सवाल किया गया है 68% लोगों का मानना है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मुद्दा नहीं है 22% और 10% मुद्दा है लेकिन दिल्ली में नहीं है ये लोगों का मानना है। इसके अलावा दिल्ली में एक और नई तस्वीर उभरी है जो कि यहाँ पर कह सकते हैं गठबंधन की तस्वीर है जिनमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच गठबंधन है तो बीजेपी और यहाँ पर जेडीयू के बीच गठबंधन ये बड़ा यहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। और कुछ नए यहाँ पर सर्वे निकल कर आ रहा है जो कि अन्य चैनल के माध्यम से ये सर्वे है उसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए दिल्ली में केजरीवाल के मुकाबले किसी चेहरे को ना देना बाकी पार्टियों को कितना नुकसान देगा, 70% लोगों का मानना है ये चेहरा ना देना एक बड़ा मुद्दा है जबकि 29% लोगों का मानना है कि ये मुद्दा नहीं हो सकता है। एक और नया सर्वे जो किया गया है वो क्या दिल्ली में नेताओं के भड़काऊ बयान देने से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, इसका कितना अहम योगदान हो सकता है। देखिए इसके लिए सर्वे है 34% लोगों का मानना है इससे फायदा होगा बीजेपी को, 65% लोग मानते हैं इससे फायदा नहीं होने वाला है। और अन्य सवाल लेते हैं क्या शाहीन बाग मुद्दे से बीजेपी को फायदा होगा, 56% लोग मानते हैं कि शाहीन बाग का जो मुद्दा है क्योंकि अब राजनीति शाहीन बाग के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है, 43% लोगों का मानना है कि इस पर ये मुद्दा नहीं बन सकता है। देखिए क्या दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, 80% लोगों का मानना है जबकि 20% लोग इसके विपक्ष में हैं। एक और सवाल लेते हैं क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही टक्कर है या फिर कांग्रेस भी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार है, इसका सर्वे है 84% आम पार्टी और बीजेपी के बीच ही बड़ा मुकाबला है जबकि 15% मानते हैं कि कांग्रेस भी यहाँ पर वापसी कर सकती है। एक और सवाल यहाँ पर क्या केजरीवाल को आतंकी कहना बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, 70% लोग इसके पक्ष में हैं जबकि नहीं 30% लोग मानते हैं इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आखिरी सवाल लेते हैं इसके बाद आपको ओपिनियन पोल भी दिखाएंगे क्या कहते हैं 4 फरवरी के ताजा आंकड़े किस पार्टी कितनी सीटें जा सकती है। देखिए क्या आखिरी वक्त में मोदी की जो रैलियां हैं उसमें बीजेपी को फायदा होगा, ये गेम चेंजर हो सकता है क्या, 39% लोगों का मानना है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा जबकि 60% लोग मानते हैं इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा।
अब आपके सामने ये फाइनल ओपिनियन पोल 4 फरवरी का एबीपी न्यूज ने रिपोर्ट दे दिया था, उसके अनुसार बीजेपी लगातार बढ़ोतरी कर रही है अपनी सीटों में। आम आदमी पार्टी 45 से 50 सीट अब भी ला रही है, लेकिन आखिरी वक्त में जो 13% वोट शेयर है वो किस तरफ जाते हैं वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है। और बीजेपी 20 से 25 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, ये सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है पीड़ा कमेंट बॉक्स में दीजिए। फाइनल आंकड़े आपको 11 फरवरी को देखने को मिलेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।